गुड मॉर्निंग। सो मूविंग फर्दर ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम, आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। फाइन, मोर और लेस देर आर 7 to 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एवरेज स्पीड से पूछा जाता है। फाइन, जिसमें देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो यू में से कि प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ इसमें से सवाल आते हैं जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, एवरेज स्पीड इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल स्पीड। फाइन, एंड एवरेज स्पीड इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम योर एवरेज टर्म। हम लोग एवरेज मैथ्स में एक टर्म जानते हैं, और एवरेज होता है सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। फाइन, आई होप औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। ओके, लेकिन एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पूरा डिफरेंट होता है। अच्छा, स्पीड हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एनीवेज, इस टर्मिनोलॉजी में स्पीड लिखा हुआ है तो ये अपने मदर कंसेप्ट को तो फॉलो करेगा ही। तो फिर ये एवरेज स्पीड होता क्या है? बहुत आसान सा कंसेप्ट है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फाइन, मतलब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे उसमें से कुछ 5 से 7 टाइप का क्वेश्चन यहां पर लेने का। दैट मीन्स आज का पूरा एजेंडा हम लोगों को एवरेज स्पीड को समझना है। फाइन, योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। हम यहां पर 3 सवाल लेंगे, तीनों करीब करीब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। पहला सवाल कहता है, एक आदमी हजारीबाग से रांची, लेट अस सपोज हजारीबाग से रांची 100 किलोमीटर गया 2 घंटे में, और रांची से जमशेदपुर 140 किलोमीटर गया 4 घंटे में। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताओ। बहुत आसान। फाइन, यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि इस सवाल में टोटल डिस्टेंस भी दे रखा है, टोटल टाइम भी दे रखा है, और एवरेज स्पीड बराबर हम लोग पढ़े हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ करना ही नहीं है, 100 + 140 बाई 2 + 4 विच गिव्स 240 बाई 6 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, दैट मीन्स आपने एक फॉर्मूला डिजाइन किया, D1 + D2 बाई T1 + T2 वेन D1 D2 T1 T2 आर नोन। मतलब सवाल में अगर दूरी डायरेक्टली दिया रहे और समय डायरेक्टली दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपको यहां पर यह भी समझ आ रहा होगा कि इन अ केस की ये जमशेदपुर से आगे लेट अस सपोज कोलकाता चला जाता 400 किलोमीटर और ये 10 घंटा लेता, लेट अस सपोज, तो हमारा आंसर क्या होता? हमारा आंसर होता एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 100 + 140 + 400 बाय टोटल टाइम। आई होप थिंग्स आर क्लियर। दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला इतने पे ही सीमित नहीं है। एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला D1 + D2 + D3 सो ऑन टू Dn बाय T1 + T2 + T3 + so on to Tn भी हो सकता है। फाइन, तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मेट जिस पर आपके एवरेज स्पीड से सवाल पूछे जाते हैं।
सो मूविंग फर्दर ऑन सेकेंड फॉर्मेट, बहुत आसान है, इसी का दूसरा प्रारूप, दिस इज योर हजारीबाग, दिस इज योर रांची, लेट अस सपोज दिस इज योर जमशेदपुर। अब दिस टाइम सवाल कहेगा कि हजारीबाग से रांची 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए और रांची से जमशेदपुर 140 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए, औसत चाल ज्ञात करें, फाइंड एवरेज स्पीड। फाइन, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एंड यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि आपको टोटल डिस्टेंस दिख रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली टोटल टाइम नहीं दे रखा है, आपका स्पीड दे रखा है, लेकिन हम कंटेम्प्रेरी ये भी जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, विच गिव्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइन, तो यहां से यहां हमको समय कितना लगा, दिस इज वेरी इजी, 100 बाई 50। यहां से यहां हमको समय कितना लगा, दिस इज वेरी इजी अगेन, 140 बाई 35। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, 2, 4 आपका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला भी तो डिजाइन कर लिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2 सो ऑन टू dn बाय d1 बाय s1 d2 बाय s2 सो ऑन टू dn बाय sn। आई होप थिंग्स आर क्लियर, बहुत आसान सा चीज है। व्हेन d1 d2 d3 सो ऑन एंड s1 s2 s3 सो ऑन आर नोन, ये सब ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हम लोगों को डिस्टेंस दे रखा हो, स्पीड दे रखा हो, जैसा कि इस सवाल में था, 100 किलोमीटर गए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 140 किलोमीटर गए 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एनीवेज, आई होप तीसरा फॉर्मेट आप समझ चुके हैं क्या होना चाहिए। हो क्या रहा है, हो रहा है यहाँ पर कि हम लोग कपलिंग कर रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं। आई मीन टू से एक बार डिस्टेंस और टाइम दे रखा था, एक बार डिस्टेंस और स्पीड दे रखा था, तो नाउ टाइम फॉर हजारीबाग टू रांची एंड लेट अस सपोज दिस इज जमशेदपुर। इस बार कहेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा गए और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा गए। फाइन, आप बताओ एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है। यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि डिनोमिनेटर दिख रहा है इस पर, क्योंकि हमको कुल दूरी कुल समय चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो क्लियरली विजिबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। लेकिन हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना इससे पहले कि डिस्टेंस का एकमात्र तो फॉर्मूला ही होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर स्पीड इंटू टाइम मतलब 50 × 2, 35 × 4, 40 किलोमीटर पर, बहुत आसान है। फॉर्मूला आपने क्या डिराइव किया, फॉर्मूला डिराइव किया s1t1 प्लस s2t2 प्लस सो ऑन टू snTn बाई t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन टू tn व्हेन s1 s2 s3 सो ऑन टू sn एंड t1 t2 t3 सो ऑन टू tn आर नोन। दीज आर सम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, एनीवेज, तो हम लोग यहां पर 3 सवाल अब तक देख चुके हैं। सो मूविंग फर्दर ऑन आवर 4th question, अगेन ऑन एवरेज स्पीड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रिटर्न जर्नी। ध्यान रहे ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्री की बात हो, मेंस की बात हो, एसएससी की बात हो, बैंकिंग की बात हो, इनफैक्ट आपके यूपीएससी सीसेट में भी ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है समझेंगे थोड़ा। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी हजारीबाग से रांची 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और रांची से वापस हजारीबाग
70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। मतलब गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वापस आया 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड। फाइन, इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली नंबर्स को ना लेकर के वेरिएबल को लेकर देखेंगे, कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट को समझने का। तो लेट दिस बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड लेट दिस बी वाई किलोमीटर पर आर। फाइन, दिस इज योर बेसिक सीन जो सवाल में दे रखा है कि एक आदमी हजारीबाग से रांची एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया, रांची से वापस हजारीबाग वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आया, आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या है। तो अज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां डी किलोमीटर फासला है, डिस्टेंस है। फाइन, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दैट मीन्स हमको न्यूमरेटर पर कुल दूरी चाहिए और डिनोमिनेटर पर कुल समय चाहिए। दूरी तो दे रखा है, तो जाते वक्त हमको लगा d किलोमीटर, मैटर ऑफ कॉमन सेंस, आते वक्त भी लगा होगा d किलोमीटर। न्यूमरेटर का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पर चाहिए समय, और समय का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहां से यहां समय क्या लगा होगा? गए हम d किलोमीटर इस स्पीड से, क्या d बाय x लगा होगा? आए वापस फिर से d किलोमीटर y की स्पीड से, ऐसा होगा? आप ध्यान से देखोगे तो d प्लस डी इज इक्वल टू 2d, अगर d कॉमन ले लिया जाए 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। सबसे खास बात, दिस क्वेश्चन इज इमेटेरियल ऑफ d, दिस क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ d, विच इंप्लाइज 2xy बाय x प्लस वाई। कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई एलसीएम लिए, xy ये पलट कर ऊपर गया, 2xy बाय x प्लस वाई। फाइन, तो हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिए 2xy बाय x प्लस वाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। फाइन, सो दिस इज योर फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। एनीवेज, अगर आपको ये सवाल समझ आ रहा है तो पांचवा जो टाइप है एवरेज स्पीड पे, वो भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, आएगा इनफैक्ट। अब सवाल कहता है कि एक आदमी अपना हाफ जर्नी एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया और अदर हाफ y किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया, आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, पिछला सवाल जो इससे पहले हम लोग लिए हैं, एक आदमी यहां से यहां गया, वापस आया, गए थे d, आए भी d, और खास बात, दिस क्वेश्चन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ d, मतलब हजारीबाग से रांची की बात करो, दिल्ली से मेरठ की बात करो, अलाहाबाद से लखनऊ की बात कर लो, सब में आंसर वही आने वाला है, 2xy एक्स प्लस वाई एवरेज स्पीड। फाइन, गए थे एक्स किलोमीटर पर आर, आए थे वाई किलोमीटर पर आर। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देखो तो क्या उसका रेप्लिका नहीं है ये? हम गए यहां से यहां और वही दूरी वापस आए, तो ये वाला सवाल है। अच्छा, अगर हम यहां से यहां गए, वापस ना आकर के उतना ही आगे चल जाए, तो क्या ये वाला सवाल हो जाएगा? या इसको हम लोग डिटेल मेथड से देख लेते हैं, नॉट एन इश्यू। कह दो यहां d बाई 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी d बाई 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी, मतलब d बाई 2 प्लस d बाई 2 लिख सकते हैं हम, कुल समय d बाई 2 बाई एक्स, d बाई 2 बाई वाई, d बाई 2 कॉमन ले लिए, 2 टाइम्स d बाई 2। फाइन, d बाई 2 कॉमन ले लो, हम d बाई 2 काटना चाह रहे हैं इसलिए इसको d नहीं लिख रहे हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये कैंसिल हुआ, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो दो सवाल में एक ही ट्रिक लगेगा, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, यही इस ट्रिक को बहुत इंपॉर्टेंट खास बनाता है, जब कभी भी रिटर्न जर्नी की बात हो या जब कभी भी आधी दूरी वाली क्वेश्चन की बात हो। मतलब अगर सवाल ऐसा कहता कि एक आदमी हजारीबाग से रांची ट्रैवल करता है जिसमें वो आधा डिस्टेंस
एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है और बचा हुआ आधा डिस्टेंस वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है, एवरेज स्पीड ज्ञात करें, तो आपका आंसर यही होगा। या कहे रिटर्न जर्नी, वापस आने वाली, एक आदमी हजारीबाग से रांची गया, रांची से हजारीबाग आया, अगर उस सवाल की बात की जाए तो भी हमारा आंसर 2xy by x plus y होगा। एक और क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम में, अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एग्जामिनेशन, आ चुका है पहले, आ चुका है एग्जाम में, बैंकिंग प्रो एक क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये वन थर्ड जर्नी की बात करेगा, वन थर्ड, अगेन वन थर्ड एंड अगेन वन थर्ड, दिस मेक्स योर कंप्लीट जर्नी, फाइन। मतलब आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये बात कर रहा है डी बाई थ्री किलोमीटर का, ये बात कर रहा है डी बाई थ्री किलोमीटर का, और ये भी बात कर रहा है डी बाई थ्री किलोमीटर का। डी बाई थ्री किलोमीटर जा रहा है एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ये वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और यहाँ जेड किलोमीटर पर आर की स्पीड से। यू हैव बीन आस्क्ड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, विच इम्प्लाइज डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री, आई कैन राइट डी इन फैक्ट, लेकिन हम डी बाई थ्री कैंसिल आउट करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सवाल डी डी का कोई महत्व नहीं है इस सवाल में, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। समय निकालना है तो यहाँ से यहाँ समय कितना लगेगा, डी बाई थ्री बाई एक्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ डी बाई थ्री बाई वाई, यहाँ डी बाई थ्री बाई जेड, फाइन। डी बाई थ्री, थ्री टाइम्स डी बाई थ्री, डी बाई थ्री कॉमन, वन बाई एक्स, वन बाई वाई, वन बाई जेड, डी बाई थ्री कैंसिल होगा, एक्स वाई जेड एलसीएम होगा, यहाँ वो पलट कर ऊपर जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड, आई होप ये आप कैलकुलेशन कर लोगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। थोड़ा कैलकुलेशन प्रो सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। मतलब अगर आज के बाद अगर ऐसा सवाल मिल जाए आपको, लेट अस टेक, सवाल क्या है कि एक तिहाई दूरी, लेट अस सपोज 20 किलोमीटर पर आर, अगली एक तिहाई 30 किलोमीटर पर आर, अगली एक तिहाई 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तय करते हैं तो औसत चाल ज्ञात करें, तो एक लाइन का आंसर है, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन इज योर पार्ट, बहुत आसान है, 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 बाई 20 इंटू 30, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, बड़ा आसान है, मैक्सिमम जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 इंटू 40, 40 इंटू 20, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। सो दिस इज अगेन नेक्स्ट टाइप ऑफ योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, फाइन। That's all for today. Thank you.